तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक गाड़ी आ चुकी है 2013 का ये मॉडल है। तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2005 के मॉडल की मेहरान गाड़ी आ चुकी है। दोस्तों 2018 के मॉडल की एक गाड़ी हमें मिल चुकी है और अगर तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक गाड़ी आ चुकी है 2013 का ये मॉडल है। ये भी गाड़ी तलाबाई की है। अभी आपको गाड़ी की मैं कंडीशन दिखा दूंगा, अंदर से गाड़ी की हमें कैसे देखने को मिलती है और अंदर से भी जो भी तफसीलात वगैरह होगी इसी वीडियो के अंदर होगी, तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा आप लोग। तो बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, जैसे कि आप गाड़ी की लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की फ्रंट लुक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी की साइड की तरफ और अभी आपको गाड़ी की साइड की कंडीशन मैं दिखा देता हूँ। बात करें गाड़ी के टायरों की, गाड़ी के टायर हमें 85% हमें माशाल्लाह से गाड़ी की काफी टायर अच्छे दिखने को मिल जाते हैं। और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ और अभी आपको गाड़ी के मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। भाई बैक की भी कंडीशन देख लें, बैक से भी हमें गाड़ी माशाल्लाह से काफी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी के अंदर से भी कंडीशन दिखा दूंगा, अंदर से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है, जो भी तफसीलात वगैरह होगी इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद आती है या इसको कोई भी गाड़ी देखनी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब मैं संडे संडे कार मार्केट आता हूं तो आप लोगों के लिए वो गाड़ी ढूंढूं। अच्छा एक भाई का कमेंट आया 2007 की अल्टिस, वो बोल रहे हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल जाती है तो भाई वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप गाड़ी के डोर देखने में डोर की कंडीशन कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के डोर देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ गाड़ी के डोर देख लें। और बात करें गाड़ी की सीट्स की, तो आप गाड़ी की सीट्स की भी कंडीशन देख लें माशाल्लाह से। भाई सीट से भी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है, सीट्स आप लोग देख सकते हैं। बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की, तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख सकते हैं। इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये देखने को मिल जाती है। और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तरफ और पीछे वाली सीट्स की तरफ और अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे की कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो अगर बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप गाड़ी के डोर की कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप गाड़ी की डोर वगैरह देख लें। और बात करें गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की, तो आप गाड़ी के पीछे की सीट्स भी देख लें। भाई पीछे वाली सीट से भी हमें गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है, जिससे कि आप गाड़ी के पीछे की सीट्स वगैरह देख लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट वगैरह कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम और डिग्गी वगैरह दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आपको गाड़ी के मैं डिग्गी की कंडीशन अंदर से दिखा देता हूँ। भाई स्पेस वगैरह देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की ये डिग्गी की कंडीशन है, आप लोग डिग्गी वगैरह देख लें। तो अभी बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। भाई तो आप जैसे कि कुप्पे वगैरह देख लें, गाड़ी के कुप्पों की कंडीशन वगैरह देख लें, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के कुप्पों की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी की बैटरी की, बैटरी वगैरह देख लें आप लोग। स्टार्टिंग से मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम सही से दिखा देता हूँ। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ हैं, ये भी तला भाई की गाड़ी है। जैसा कि तला भाई ने बोला था दो गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी हम पहले दिखा चुके आप लोगों को, तीन गाड़ियां थी, एक गाड़ी पिछले संडे को दिखा चुका। अगर आपने नहीं देखी तो पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं आप लोग, उसमें वो गाड़ी है। तो अभी दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी के बारे में वो बता चुके, तो ये वाली जो गाड़ी है अभी इस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। तो तला भाई हमारे साथ है, तला भाई इस गाड़ी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई ये दूसरा नगीना है, खजानों से निकला हुआ, सही है। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है कंपनी के नाम पे, 2013 मॉडल है, लेकिन जिस कैलिबर की ये गाड़ी है 16-17 को टक्कर देने वाली गाड़ी है। जिस कैलिबर का रूम, जिस कैलिबर की ड्राइव, इसमें भी गाड़ी में कोई काम नहीं है, बस लें और चलाए वाला सिस्टम है। टायर नए डले हुए, एसी चिल्ड है, इंजन अपना है और सील्ड इंजन है। मेरे पास जितनी गाड़ी है उनको सील्ड इंजन है, इंजन पे पाने तक भी नहीं लगे कभी। अच्छा जी, इंजन अपना गाड़ी का मतलब? इंजन अपना है, थ्रू आउट पेट्रोल की चली हुई गाड़ी है और इस वक्त ये गाड़ी एवरेज आपको कर रही है 13 का कर रही है सिटी के अंदर, 13 किलोमीटर सिटी के अंदर। और हाईवे पे तो ज्यादा ही जाएगा, तो लाइन से 21-22 का एवरेज कंफर्म इन गाड़ी होगा। ठीक हो गया। बात करें गाड़ी के टचअप वगैरह, और यार टचअप वचअप साइडों वाइडों में होंगे, छड्डी की बोनट कंफर्म ओरिजिनल है, साइडों में भी कुछ पीस टचअप है और कुछ जेन्युइन है। बाकी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, लाइटें बिल्कुल साफ, कोई ग्रिल टूटी टूटाई नहीं है, एक एक चीज एक्यूरेट अपनी जगह पे है। डिमांड की बात करें तला भाई, क्या डिमांड क्या रखी आपने हमारे व्यूवर्स के लिए? इसमें भी आपके लिए एक डिस्काउंट है मांगने को, तो मैं इसके 24.5 लाख रुपए मांग रहा था, सही है। लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए इस गाड़ी की डिमांड हमने
1 लाख रुपए इसमें भी कम कर दिए हैं, 23.5 लाख रुपए डिमांड है, 23 लाख रुपए में दे दूंगा। 23.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, पहले 24 थी, फिर 23.5 से 23 पे आ गया। आज पहले 24.5 मांग रहा था, लेकिन आज आपके व्यूवर्स के लिए एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा, ये तोहफा 1 लाख का तोहफा, कि जो भी आएगा वो गाड़ी पहले देखेगा, फिर बाद में मेरी एक पप्पी लेगा गालों पे। पप्पी आप दोगे? पप्पी दोगे? बिल्कुल देंगे यार, भले वो मौलवी साहब हो। कोई टेंशन नहीं, मौलवी साहब से भी निमट लेंगे यार। ठीक है ठीक है, अपना नंबर वगैरह बता दें, गाड़ी की तफसीलात वगैरह तो काफी बता दी है, फिर आपसे कांटेक्ट किया जा सके। और कोई भी 0344-2155-181। आपका नाम? तलहा भाई। लोकेशन? नॉर्थ कराची। ठीक है, थैंक यू सो मच। तलहा भाई की दोनों गाड़ियां मैंने आप लोगों को दिखा दी, और अगर आपको कोई भी गाड़ी वाड़ी चाहिए हो तो तलहा भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी तफसीलात वगैरह चाहिए इन्हीं गाड़ियों के हवाले से तो आप फिर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने 2005 के मॉडल की मेहरान गाड़ी आ चुकी है, और एक और मेहरान गाड़ी आपका जमाल भाई लेके आ चुका है। तो कुछ भाई हैं जिन भाई की ये गाड़ी है, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई ये गाड़ी भी हमें दिखा दें, वीडियो में डाल दें। तो मैंने बोला चलो भाई, कोशिश करता हूँ कि ये वाली मेहरान भी डाल ही देता हूँ। वैसे मेहरान की वीडियोज़ वगैरह बना रहा होता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड वगैरह आ रही होती है। तो आप जैसे कि गाड़ी के फ्रंट लुक की कंडीशन देख लें भाई, लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन देख लें, आगे की कंडीशन कुछ इस तरह से हमें ये दिखने को मिल जाती है। अंदर से भी गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ, अंदर से बाहर गाड़ी किससे रखी हुई है। जैसे कि आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें भाई, टायर से भी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखने को मिल जाती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। और अभी आपको गाड़ी की, जैसे कि मैं आपको बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये गाड़ियाँ मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई जो बजट के अंदर गाड़ी आ जाए वो गाड़ी दिखाया करें, तो मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ वही वाली गाड़ी आप लोगों को दिखाऊँ। तो बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ, और अभी को गाड़ी के मैं डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ भाई। अच्छा, आप गाड़ी के जैसे कि डोर वगैरह देख लें कुछ इस तरह से, मैं गाड़ी के पिलर वगैरह की कंडीशन दिखने को मिल जाती हैं, डोर वगैरह। और बात करें गाड़ी की इंटीरियर डैशबोर्ड की, जैसा कि आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख रहे हैं, बिल्कुल डिसेंट सा लुक हमें ये दिखने को मिल जाता है इंटीरियर डैशबोर्ड का। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की सीट्स देख लें भाई, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की सीट्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की तरफ, और अभी आपको गाड़ी के मैं पीछे की कंडीशन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप गाड़ी के पीछे के डोर देख लें भाई, पीछे के डोर की कंडीशन हमें ये कुछ इस तरह से ये दिखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे की सीट्स भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन ये दिखने को मिल जाती है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ, और देखता हूँ अगर डिग्गी खुल जाए तो डिग्गी में आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले डिग्गी की कंडीशन देखने भाई, सीएनजी वगैरह लगा हुआ इसमें? सीएनजी लगा हुआ है दोनों पे। चले भाई, अभी बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में जैसा कि दिखा देता हूँ, आप कुप्पे वगैरह देख लें भाई, कुप्पों की कंडीशन कुछ इस तरह से ये दिखने को मिल जाती है। जैसे इस नंबर वगैरह देख लें, जैसे कि टिकली वगैरह जो होती है। और अभी आपको गाड़ी की मैं बैटरी वगैरह दिखा देता हूँ, बैटरी वगैरह देख लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहा है। गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड वगैरह क्या कर रहा है। स्टांग भाई जान सलाम यार, दो जी गाड़ी के बारे में बता दिएगा, कौन सा मॉडल है ये? 2005 का ये मॉडल है, डॉक्यूमेंट से पूछिए, टैक्स से क्लियर है ये? ओके अच्छी। इसमें एसी वर्किंग में? ऐसी कंप्रेसर नहीं है। अच्छा, कंप्रेसर नहीं है, वरना अगर काम करवाए तो वर्किंग में है। जी जी। अच्छा, पेट्रोल सीएनजी दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पर रही है, दोनों पे। ठीक हो गया। 1 लीटर में कितना देरी का अंदाजा? ये भाई को मालूम हो गया, भाई इतना नहीं पता आपको? इतना नहीं पता। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट कर रहे थे गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बना ली। अच्छा, डिमांड की बात करें, डिमांड क्या रखी आपने? डिमांड 480। 480 आपको लगता नहीं वो ज्यादा है? सही है, सही है, महंगाई के हिसाब से, पेट्रोल के हिसाब से, पेट्रोल महंगा हो गया। ठीक हो गया, कमी बेची हो जाएगी अगर कोई भाई हमारा आता है, हमारे जो भाई देखना आप लोगों को जी। 1 लाख लोग आपको देखना भी है जी भाई, कब हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा, तो आप मुझे बोल रहे थे इस मोबाइल में से इसका नंबर बताना है जिनसे कांटेक्ट किया जा सके जी। ये वाला नंबर है जी जी। अच्छा, नंबर भाई ने बता दिया कि ये इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें अगर आपको गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह चाहिए। मैं नंबर बता देता हूँ, ये है 0309-2304082। ये नंबर है। भाई का नाम क्या है? परवेज। परवेज भाई का नाम है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गाड़ी की तफसीलात वगैरह ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। 2018 के मॉडल की एक गाड़ी हमें मिल चुकी है, और अभी आपको गाड़ी की मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो अभी आपको गाड़ी की मैं आगे से कंडीशन दिखा देता हूँ। दरअसल पहले यहाँ से मैं वीडियो बना रहा था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई,
तो आप जैसे कि गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख रहे हैं, लाइट ग्रिल, आगे की कंडीशन, आगे से तो हमें गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है। और अब आपको गाड़ी की मैं साइड से भी कंडीशन दिखा देता हूँ, जैसा कि आप गाड़ी के टायर वगैरह देख रहे हैं, टायर की भी कंडीशन देख सकते हैं आप लोग। और बैक से भी गाड़ी की कंडीशन मैं दिखाता हूँ, बैक से मैंने गाड़ी की चेक की हुई है। जब बात करें गाड़ी के बैक लुक की, बैक से भी हमें गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दिखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी के अंदर से भी कंडीशन दिखा देता हूँ, अंदर से मैंने गाड़ी की सेट की हुई है। तो अब भी बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और अंदर की गाड़ी की कंडीशन की वीडियो दिखा देता हूँ मैं। तो बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप गाड़ी के डोर वगैरह देख लें माशाल्लाह से, डोर से भी हमें गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये दिखने को मिल जाती है माशाल्लाह से। आप गाड़ी के डोर वगैरह देख लें, डोर की कंडीशन देख लें। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की, जैसा कि आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख सकते हैं माशाल्लाह से, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये देखने को मिल जाती है। बात करें गाड़ी की सीट्स की, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें, सीट से भी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये देखने को मिल जाती है। तो अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे से भी कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ और अभी आपको गाड़ी के मैं पीछे से कंडीशन दिखा देता हूँ। और जैसे कि आप गाड़ी के पीछे की सीट्स देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे की सीट्स भी दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ते हैं गाड़ी के डिग्गी की तरफ और अभी आपको गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी की ये डिग्गी की कंडीशन देख लें। तो बढ़ते हैं अभी गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी की खो की कंडीशन देख लें भाई, खो की कंडीशन देख सकते हैं आप लोग। और इंजन वगैरह मैं आप लोगों को सही से दिखा देता हूँ, बैटरी वगैरह देख लें आप लोग गाड़ी की। ये गाड़ी का इंजन रूम हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान, गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? 2018 का मॉडल है। 2018 का ये मॉडल है, डॉक्यूमेंट से टैक्स से क्लियर है, हर चीज से क्लियर है, एसी वगैरह वर्किंग है, हर चीज वर्किंग है। पेट्रोल से नहीं, दोनों पैसे पेट्रोल पर है? सिर्फ पेट्रोल पर है। और एक लीटर में कितना देगी अंदाजा? 13-14 दे देगी। 13-14 दे जाती है सिटी के अंदर, हाईवे पे ज्यादा हो जाता है ऐसी है। ठीक हुआ, और खुदा ना खासा माइनर मेजर एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक से दो पीस टचअप है, एक से दो पीस टचअप है, बाकी जनवन है जी। डिमांड की बात करें, डिमांड क्या रखी आपने इसकी? 36 लाख रुपए। 36 लाख, कमी बेची 19-20 जी हो जाएगी, हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाएगी जी। अपना नंबर शेयर कर दिएगा भाई। मेरा नंबर तो नहीं, बड़े भाई का नंबर है, शेयर करना जी। 0313-2444-614। आपका नाम? अदनान नाम। मुझे लग रहा नंबर गलत हो गया शायद, दोबारा बताएं। एक कार्ड दूंगा, आप यहाँ से स्टार्ट करें। 0313-2444-614 यह भाई का नंबर है जी, बड़े भाई का नंबर। तो लोकेशन कहाँ की गाड़ी का मिल सकती है भाई? ये कायदा बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। की गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।